नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीटू। मैं एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल बेस्ट टिप्स में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि आप अपनी आंतों की सफाई कैसे कर सकते हो, अपनी आंतों के अंदर जो मैल जमा हुआ है उसको कैसे बाहर निकाल सकते हो, या फिर आप बोल लीजिए कि अगर आपको कब्ज की समस्या है, या फिर आपको ज्यादा लूज मोशन है, या फिर आपका पेट खराब रहता है, एपथ्स की समस्या है, तो इन सभी बीमारियों से आप कैसे निजात पा सकते हो एक आयुर्वेदिक तरीके के द्वारा। दोस्तों यहाँ पर मैं जो आपको घरेलू तरीका बताने वाला हूँ उसका 1% भी साइड इफेक्ट नहीं है, 100% उसका रिजल्ट है और बहुत ही जल्दी उसका आपको रिजल्ट मिलेगा, बिल्कुल फ्री का ये नुस्खा है। तो दोस्तों वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा और मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे जो लाल में सब्सक्राइब बटन प्रोग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में दबा लीजिए घंटी के निशान को ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचता रहे। दोस्तों हम बात कर रहे थे एपथ्स की, जिसको समस्या है या फिर जिसकी आंतों में मैल जम गया है। ये दोस्तों मैल जमता क्यों है, एपथ्स की समस्या होती क्यों है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो तला भुना सामान खा लेते हैं, ज्यादा फास्ट फूड का सेवन करते हैं, इस वजह से दोस्तों हमारे जब टॉयलेट जाते हैं कोई भी बंदा अगर टॉयलेट जाता जो ये चीजें सेवन करता है तो उसका अच्छी तरह से पेट साफ नहीं हो पाता और कुछ मैल हमारी आंतों के अंदर जम जाता है। फिर उसको परेशानी दोस्तों क्या होने लग जाती है, जैसे कि गैस बनना पेट के अंदर, एपथ्स की समस्या हो जाना, भूख कम लगना, मुंह से बदबू आना, मसूड़ों से खून आना और लीवर पर गर्मी हो जाती है। ये दोस्तों मेन समस्या होती है। अगर आपकी आंतों के अंदर मैल जम गया है तो आपको ये सिम्टम नजर आएंगे, पेट में भी दर्द रहना शुरू हो सकता है, थोड़ा सा टाइट पेट रहेगा, उसके अंदर गैस बन जाएगी और वो जो गैस होती है वो सिर में चढ़ेगी और सिर में भी दर्द होना शुरू हो जाएगा। तो ये मेनली इसके सिम्टम है। अगर आपको ये सिम्टम नजर आए तो आप ये समझ लीजिए कि आपके पेट के अंदर जो आपके आते हैं उनके अंदर मल जम गया। तो उसको आप कैसे साफ कर सकते हो, आप बड़े ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। आपको करना क्या होगा, सुबह उठकर दोस्तों आप एक गिलास गुनगुना पानी लीजिए, उसके अंदर दोस्तों एक नींबू निचोड़ लीजिए, खाली नींबू का रस, उसके अंदर आप एक खाली नींबू का रस निचोड़ लीजिए और उसको पी लीजिए, उसके ऊपर से दोस्तों एक गिलास पानी गुनगुना और पी लीजिए। एक बार फिर से सुन लीजिए, आपने एक गिलास गुनगुना पानी लेना है, उसके अंदर एक नींबू निचोड़ना है और उस पानी को पी लेना है, ऊपर से एक गिलास और गुनगुना पानी पीना है, उसके बाद दोस्तों आपने कुछ भी खाना पीना नहीं है, थोड़ा सा घूम फिर के आप आ जाइए। और ये तो था दोस्तों सुबह का नुस्खा। अब शाम वाला क्या है, एक गिलास गुनगुना पानी लीजिए और एक त्रिफला चूर्ण आता है दोस्तों, नियरेस्ट किसी पंसारी की दुकान पर आपको त्रिफला चूर्ण मिल जाएगा, त्रिफला चूर्ण आप लेके आ जाइए, एक चम्मच त्रिफला चूर्ण एक गिलास गुनगुने पानी के अंदर डाल लीजिए और शाम को खाना खाने के एक या दो घंटे बाद आप उसका सेवन कर लीजिए और सुबह जैसा कि मैंने नींबू का पानी बताया वो ले लीजिए। 10 से 15 दिन के अंदर अगर लगातार आप इस नुस्खे का इस्तेमाल करते हो, 10 से 15 दिन के अंदर अंदर आपका पेट बिल्कुल साफ हो जाएगा। फिर आप गैप करके हर तीसरे या चौथे महीने आप इस नुस्खे का इस्तेमाल कर सकते हो, आपकी जो आंतें हैं उनके अंदर से सारी की सारी गंदगी साफ हो जाएगी। आपको दोस्तों तली भुनी चीजों का सेवन नहीं करना है, फास्ट फूड का सेवन नहीं करना है, ऐसी चीज नहीं खानी है जो हमारे पेट के अंदर जाकर जिसको पचने में बहुत ज्यादा हमारे शरीर को मेहनत करनी पड़े। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक था, आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और मेरी एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों मेरी एक वेबसाइट है www.rambaniraj.com, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में वीडियो के डाल दूंगा, उस पर दोस्तों आपको हिंदी में इन सभी बीमारियों का इलाज लिखा हुआ मिलेगा, तो आप इस वेबसाइट पर जाकर हिंदी में इन सभी बीमारियों का इलाज पढ़ सकते हो। अपना कीमती समय निकाल कर वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, भगवान करे आपका दिन शुभ रहे, थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।